हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है, मैंने जो बनाई है वो कच्चे चावल से बनाई हुई है। ये बहुत आसानी से और बहुत कम समय में इसे आराम से आप इसे घर में बना सकते हैं। तो ये बनाना बहुत आसान है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने एक कटोरी चावल लिया है जिसे मैंने 24 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रख दिया था। तो ये बहुत अच्छी तरह से फूल गई है और बीच बीच में मैंने इसे दो तीन बार इसके पानी जो है वो हमने बदल दिए थे। तो एक ही पानी में इसे मत रखिएगा, अभी 5-6 घंटे के बाद पानी को निकाल करके फिर दूसरा पानी इसमें डाल दीजिएगा। तो 24 घंटे के लिए इसे ज़रूर फुला लीजिएगा, क्योंकि ये फिर जब अच्छी तरह से जब फूल जाता है तो इसके जो चिप्स बनते हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इसे मैंने कुकर में बनाया हुआ है और लेंगे कुकर, उसमें डालेंगे जिस कटोरी से हमने चावल नाप करके लिया था उसी कटोरी से हम लेंगे पानी। तो इसमें मैंने करीब 2.25 कटोरी पानी हमने डाला है, मतलब 2 कटोरी और आधी कटोरी से थोड़ा और ज़्यादा, मतलब 3 कटोरी से थोड़ा सा कम पानी या 3 कटोरी पानी भी आप इसमें डाल सकते हैं। और चावल पूरा जितना हमने भिगो करके रखा हुआ था वो सारा सारा उसमें कुकर में पानी में डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। बस अब एक बार उसे हम चला लेंगे। अब इसका हम ढक्कन लगा देंगे कुकर का और इसे हम गैस पे रख देंगे और गैस को ऑन कर देंगे। गैस को हम फुल फ्लेम पर ही रखेंगे और इसमें हम कम से कम 1 सीटी फुल आंच पे लगने देंगे और फिर इसके बाद आंच को कम कर देंगे और फिर 2 सीटी एक्स्ट्रा और इसमें लगने देंगे, मतलब कि कुल 3 सीटी इसमें लगाएंगे, 3 या 4 सीटी। और फिर जब 3-4 सीटी जब लग जाएगा तो फिर गैस को बंद कर देंगे और अपने आप ही इसे ठंडा होने देंगे। तो ये कुकर का है जो है उसका प्रेशर निकल गया है अच्छी तरह से अपने आप से। तो इसे हम ढक्कन को खोल दिए हैं, ये देख रहे होंगे कि चावल ये बिल्कुल गीला चावल की तरह बिल्कुल हो गया है। तो इसे हम एक बार चला लेते हैं और इसमें डालेंगे हम आधा कटोरी पानी। तो पानी डाल करके एक बार इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। इसे चलाने से होगा कि ये थोड़ा सा गीला गीला सा हो जाएगा। तो इसे हम आगे हम मैशर लेंगे और उससे हम अच्छी तरह से इसे हम मैश करेंगे। कुकर में इकट्ठा पानी डाल करके मत कीजिएगा, क्योंकि कोई कोई चावल होता है जो मोटा या पतला जो भी होता है तो उसमें पानी कम या ज़्यादा लगता है, या कोई कोई बहुत ज़्यादा मतलब गीला रह जाता है। तो इसमें अगर ज़्यादा पानी रहेगा तो ये इस पर जब मैशर से जब मैश करेंगे तो उसके जो पानी के जो छींटे हैं वो हाथों पे या चेहरे पे पड़ सकते हैं। इसलिए पानी जब 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 भी डालिएगा तो 2.5 या 3 कटोरी से ज़्यादा कुकर में मत डालिएगा। बाद में जब अगर आपको ज़्यादा मतलब अगर गाढ़ा लगे पानी, मतलब चावल अगर बहुत ज़्यादा ही मतलब टाइट हो तब उसमें पानी डालिएगा और इसी तरह से खूब मसल मसल करके मैशर से इसे मैश कर दीजिएगा। इससे होगा कि चावल जो है ना ये बिल्कुल ही बिल्कुल, जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी जब पतंग उड़ाते थे ना तो उसमें जब पतंग फट जाती थी तो मम्मी हम लोगों को ले ही बना करके देती थी, तो बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल हो जाएगा। कहीं पर भी मतलब चावल का मतलब बिल्कुल निशान ही नहीं रहेगा, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि मतलब ये चावल का है। इतनी इस तरह से बिल्कुल इसे मैश कर देना है। अभी बहुत आसानी से बिल्कुल हो भी जाता है। तो कुकर में ही कीजिएगा, ऊपर अलग से बर्तन में निकाल करके मत कीजिएगा। इससे होता है कि ये बहुत अच्छी तरह से ये हो जाता है। तो ये देखिए चावल जो है ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो गया है। अब हम इसे क्या करेंगे कि ये दूसरे किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। तो थोड़ा आराम से निकालिएगा, नहीं तो ये जल सकता है। तो गर्म ही रहेगा तभी इसे निकालिएगा और जब गर्म रहे तभी इसमें नमक डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा, पहले तो हमने ना कुकर में नमक डाला हुआ था तो थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। तो चावल को थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो थोड़ा और डाल दीजिएगा। और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग अजवाइन, थोड़ा सा जीरा आधा चम्मच, और डालेंगे 1 छोटा चम्मच से मंगरेला या कलौंजी सीड्स। तो इसमें डाल करके और खूब अच्छी तरह से इन सबको मिक्स कर देंगे। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें और ज़्यादा पानी मत डालिएगा क्योंकि ये इतना ही मतलब
ये गाढ़ा होना चाहिए तभी ये अच्छी तरह से बनेगा। अब इसे ढक करके रख देते हैं ताकि ये ऊपर से ये सूखे नहीं, नहीं तो इसकी पपड़ी जम जाएगी, तो इससे ये चिप्स जो है वो अच्छी तरह से बन नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ इसे चावल का चिप्स बोला जाता है, इसलिए मैंने चिप्स बोला है। अभी इस तरह से सेव बनाते हैं, जो वो हमारे पास है तो वही हमने लिया है। और इसमें हमने चारों तरफ से इसमें अंदर से उसमें तेल लगा दिया है ताकि ये चिकना रहे, तो कहीं ये चिपके नहीं और ये आसानी से ये निकलने में भी आसान रहे। अगर आपके पास सेव बनाने वाला इस तरह का नमकीन मतलब मेकर नहीं है तो फिर आप कोई भी प्लास्टिक ले लीजिए, कोई भी दूध की थैली जो आती है अमूल दूध या जो भी उसकी ले लीजिए, या किसी नमक का पैकेट का ले लीजिए, उसमें भी आप ले लीजिए, कुपी की तरह बना लीजिए। जैसे मेहंदी लगाते हैं तो उस तरह से बनाते हैं ना, बस उसी तरह से बना लीजिए। जितना मोटा पतला आपको चाहिए नीचे से काट के दीजिए और फिर उसमें भी उस तरह से करके आप इसे बना सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान रहता है, इसलिए मैंने इसे इसमें बनाया हुआ है। अब ये जो थाली में हमने इसमें बना करके दिखाया है, तो अभी इस पर हम बिल्कुल चकली की तरह इसमें हम बना देंगे। आप इसे प्लास्टिक पर भी डाल सकते हैं, तो प्लास्टिक अगर हो तो आप प्लास्टिक में भी डाल करके इसे इस तरह से बना सकते हैं। ये बनाने में बहुत आसान रहता है और बहुत ही अच्छे से आराम से ये बन भी जाता है और इसे उखाड़ने में भी आसानी रहती है। इसी तरह से बाकी के सारे भी हम बना लेंगे। ये अच्छी तरह से बन जाए तो इसे तेज़ धूप में डाल देंगे और 2 से 3 दिन के लिए इसे अच्छी तरह से सुखा देंगे। तो हमारा चिप्स जो है चावल का वो बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है और ये बहुत ही अच्छी तरह से सूख चुका है। तो ये आप देख लीजिए ये किस तरह से ऐसे सूख करके हो गया है तैयार। तो 1 कटोरी चावल से हमने थाली भर के मैंने चिप्स बना करके रख ली है। तो इस त्यौहार तो मेरी चिप्स बन करके तैयार हो गई है। मैं इसे छान करके भी दिखा देती हूँ। तो तेल हमने रखा है गर्म होने के लिए, एक छोटा सा टुकड़ा डाल करके हमने डाल करके देख लिया है कि हाँ तेल गर्म हो गया है या नहीं। तो तेल तो हमारी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गई है, तो उसमें हम एक एक करके डालेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे जो चिप्स हैं वो फूल करके कितने अच्छे से तरह से मतलब बड़े बड़े साइज़ में होते गए हैं और ये बहुत ही अच्छे से हैं। ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं लगेगा और ये बहुत ही आसानी से बन भी जाएगा। और ये आप मतलब आराम से बिल्कुल घर में आसानी से कोई भी इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही बनाना आसान है, तो एक बार इस तरह से बनाना ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा आप अपनी फैमिली में। कमेंट में मुझे भी लिख करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।